बहू बेगम में आदिल के आ जाने से शो की कहानी काफी दिलचस्प हो गई है। आज आदिल ने नूर के लिए एक तोहफा भेजा है और अशारा भी बड़ी खुश होते हुए आदिल का वो तोहफा नूर तक पहुंचाती है और गिफ्ट देखकर नूर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होता। पर जैसे ही नूर को ये पता चलता है कि ये गिफ्ट और बुके आदिल ने भेजा है तो नूर गिफ्ट लेने से साफ मना कर देती है। वो शारा से कहती है कि इस मेढक ने मेरे लिए गिफ्ट क्यों भेजा है, पर फिर भी शारा नूर को प्यार से समझाती है और गिफ्ट को खोल के देखने को कहती है। पर गिफ्ट तो इतना ज्यादा फनी होता है कि नूर के गुस्से का कोई ठिकाना ही नहीं होता। पर शारा नूर को समझाती है कि तुम्हें गिफ्ट और बुके के लिए आदिल को थैंक्स बोलना चाहिए। वैसे आजान भी नूर और शारा की बातें छुप छुप कर सुन रहा होता है और हम आपको बता दें कि आजान को आदिल कुछ खास पसंद नहीं, वो अब तक उसे समझ नहीं पाया है और इसलिए वो दोस्त होने के नाते नूर को भी आदिल से दूर रखना चाहता है। साथ ही आज बातों बातों में आजान नूर को भी ये कह देता है कि आदिल तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, पर इस बात पर शारा को गुस्सा आ जाता है। वेल, अब क्या है आदिल के इरादे और ये कहानी में क्या नया ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं, ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा। हमारे ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।